नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो मैं सुबह 7 बजे अभी निकल चुका हूं आप लोगों को बाहर का सीन दिखाने के लिए। और अभी मैं हूं राजपूत ढाबा के पास, ये देख सकते हैं। तो इधर आपको राजपूत ढाबा देखने को मिलेगा यहाँ पे, और मैं चलता हूँ थोड़ा सा मार्केट की तरफ और फिर उधर का आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और यार चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं का भी प्लेस देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हालांकि अभी तो लॉकडाउन है, बहुत दूर हम नहीं जा पाएंगे, बट कोशिश करेंगे। तो ये देख सकते हैं, यहाँ ये ढाबा है, यहाँ पे पूरी तरीके से भी शांति है, सत्ती ढाबा ये है। और यहाँ पे दुकानें लगभग बंद हैं, पूरी सख्ती से जो प्रशासन है वो पेश आ रहा है इस समय। और इधर देख सकते हैं, ये पूरी दुकानें अभी खुली हुई हैं, राशन की जो दुकानें हैं वो भी लगभग खुली हैं, मैं देख रहा हूँ इस समय। और सन्नाटा है लगभग पूरी तरीके से मार्केट में, यहाँ पे आपको देखने को सन्नाटा मिलेगा। जंगीगंज के सबसे पुराने दुकान ये देख सकते हैं, गिरधारी लाल गोझिया वाले यहाँ पे हैं। तो अभी उनका भी हालत तो सही नहीं है, मार्केट चल नहीं रहा है इसलिए बंद है सब दुकान वगैरह। आप लोगों को एक बात बता दूं, अभी सैटरडे को हाल ही में आदित्य वस्त्रालय को 10,000 रुपये का फाइन भरा गया था। इन्होंने काम क्या किया था, दुकान बंद करके कस्टमर को अंदर लेके गए थे और वहाँ पे सामान दे रहे थे, और पुलिस ने इनका चालान कर दिया 10,000 रुपये का। ये देखिए लालचंद की दुकान, जंगीगंज में सबसे बड़ी दुकान लालचंद की दुकान है, कपड़ा वस्त्रालय इनका है, कपड़े का दुकान है, थोक में ये दुकान कपड़े देते हैं। और इधर का तो भाई सारा दुकान लगभग बंद है, ये देखिए। और ये राशन की दुकानें हैं जो कि खोली गई हैं। यहाँ पे आपको गिट्टी बालू का दुकान यहाँ पे मिलेगा, तो चलिए वहाँ से संपर्क थोड़ा करते हैं, काम है। तो अगर आप सामान अगर यहाँ पे लेने आ रहे हैं जंगीगंज मार्केट में, तो आप लोग सुबह ही आ जाइए। तो अभी मैं ये जो मार्केट दिखा रहा हूँ ये लेफ्ट साइड का दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आगे जो रोड है वो लेफ्ट साइड में सीता मढ़ी की तरफ ये रोड जाता है जो इस तरफ आपको दिख रहा है। यहाँ आप जानते हैं ये फल के दुकानें यहाँ बहुत सारे लगते थे, बट अभी यहाँ पे दुकानें बहुत कम हैं। तो इस तरफ से आए थे और फिर इसी तरफ मैं रिटर्न हो रहा हूँ। ये ओवर ब्रिज के अंदर आ चुके हैं हम, और राइट घुमाते हैं राइट की तरफ। तो ये अभी हम आ चुके हैं इस मार्केट के दूसरी छोर की तरफ, और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी मार्केट ओपन हुए हैं कुछ। और ये सब्जी मंडी, जंगीगंज का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है। यहाँ देखिए हर एक प्रकार का सब्जी आपको यहाँ पे मिलेगा इस सब्जी मंडी में, तो लोग सब्जी खरीद रहे हैं इस समय।
सुबह ही दुकान खोलने का आदेश है और सुबह ही लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं इस समय। और यहाँ पे पुलिस चौकी है, ये देखिए, और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको दिखेगा सरकारी जो स्कूल है, और ये सब दुकानें फर्नीचर वगैरह की खुली हुई हैं। लगभग जो भी दुकानें हैं सुबह के टाइम खुले हैं, और सुबह ही आप लोग आ सकते हो। सुबह जो सामान आपको लेना है आप लोग आके ले जा सकते हो। लॉकडाउन है, 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग सेफ्टी से रहिए और उसका पालन करिए। और बाहर तभी निकलिए जब आपको ज़रूरत हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट प्यार बना के रखिए। और अभी तक हमें अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट राइड में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।